नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। हाय आहाना, हाय मिस्टर अनिलमान, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद हेलो स्वास्तिका कि मुझे आज ये मौका दिया आपके साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का अभिनंदन है डिजिटल योगा फेस्ट में, जिसका कि नाम है जड़ से जुड़ें। नाम बहुत खूबसूरत है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। मेरा नाम पूजा नागदेव है और आज हेलो स्वास्थ्य के माध्यम से मैं आप सभी के साथ जुड़ने वाली हूँ, आप सभी के साथ मैं बातचीत करने वाली हूँ। जड़ से जुड़े बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत नाम है जो कि हेलो स्वास्थ्य ने अपने डिजिटल योगा फेस्टिवल को दिया है। जड़ क्यों? क्योंकि आयुर्वेद, योग, यही तो हमारी जड़ है, यही है जिसने, जो कि हम सबको जोड़ता है और हम सबकी जो प्रकृति है इसी से ही बनी हुई है। आज हम चर्चा कर रहे हैं, हमारा जो विषय है वो है आयुर्वेद और ब्यूटी रेसिपीज, आयुर्वेद और ब्यूटी के तरीके, क्या आयुर्वेद से कर सकते हैं ब्यूटी के लिए, हम इस पे आज चर्चा करने वाले हैं। आयुर्वेद अपने आप में एक साइंस है, जिसमें कि पूरा सब कुछ है इसके अंदर। आपको कैंसर से लेके, बड़ी बीमारियों से लेके, छोटी से छोटी बीमारी जैसे कि इनडाइजेशन है या किसी को सांस लेने में तकलीफ है या किसी को कोल्ड हो गया है, सर्दी है, जुखाम है, आयुर्वेद में हर चीज़ का इलाज है। आयुर्वेद जो कि नाम है, आयु मीन्स मतलब कि लंबी आयु, एंड वेद मतलब हमारे वेद पुराण जो कि ऋषियों ने लिखे हैं 5000 साल पुराने, जो कि हमें लंबी दीर्घ आयु देते हैं। एक ब्यूटी है जो हम लोग देखते हैं कि एक सुंदर चेहरा, या जिस चेहरे में कोई तकलीफ ना हो, जिस चेहरे में कोई पिंपल्स ना हो, कोई दाग ना हो, कोई धब्बे ना हो, आयुर्वेद के माध्यम से हम एक संपूर्ण सुंदर चेहरे की प्राप्ति, अच्छे बालों की प्राप्ति, अच्छा स्ट्रॉन्ग शरीर की प्राप्ति हम कर सकते हैं। पर हमें ये जानना ज़रूर है कि ये जो है आयुर्वेद, ये 360 डिग्रीज है। हम सिर्फ एक प्रोडक्ट को, एक जड़ी बूटी को या एक चीज़ को लगा के, हमें कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। हमें पूरा 360 डिग्री उसको हम ठीक करेंगे। सबसे पहली चीज़ है आयुर्वेद के लिए एक प्रकृति जानना। हर एक इंसान की एक प्रकृति होती है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कि आपने सुना होगा, हम सबके शरीर में आयुर्वेद के हिसाब से, जो सब लोग आयुर्वेद को फॉलो करते हैं, हम सबके अंदर कुछ ना कुछ दोष हैं, ठीक है। हम उन दोषों के साथ हमारा जन्म हुआ है, पर ज़रूरी नहीं है उसी दोष के साथ हमारी मृत्यु भी होगी। अगर तीन दोष हैं जो कि मेन दोष कहे जाते हैं आयुर्वेद में, एक है वाता दोष, पिता दोष और कापा दोष, काफा। वाता जो दोष होता है, मैं पहले इन दोषों पर आऊंगी, प्रकृति पर आऊंगी, उसकी चर्चा करेंगे, फिर हम आएंगे कि किस दोष में
क्या हमें करना चाहिए, जिसको जो दोष हो, क्योंकि हमारे जो भी बॉडी में, हमारे शरीर में जो भी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो कोई पिंपल की हो प्रॉब्लम, या कोई हमारा मोटापा है, या हमारे कोई दाग हैं जो नहीं जा रहे, या एजिंग हो रही है, स्किन बहुत ड्राई हो रही है, ये जो सारी चीज़ें हैं हमारी, सबसे पहले तो हमारी प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। जो जब हमारी प्रकृति, जब हमारे शरीर की प्रकृति में कोई जो एक दोषा है, कोई एक दोष बहुत बढ़ जाता है, तो उसको हमें बैलेंस करना होता है, उसको हमें नियंत्रण में लाना होता है। जब हम उसको करते हैं, फिर उसके साथ साथ उससे हमारा शरीर जो है अंदर से सुधार आता है, और बाहर से सुधार के लिए हम कोई ना कोई ऊपर से क्रीम या जो जड़ी बूटी है या लेप, हम इस तरह के तेल, हम इस तरह की चीज़ें लगाते हैं बाहर से सुधार करने के लिए। सो सबसे पहले प्रकृति को जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर में तीन दोष हैं, वाता, पिता और काफा। ये तीनों सब में पाए जाते हैं, पर एक दोष सब में ज़्यादा रहता है। तो हम कहते हैं कि ये जो शरीर है, ये वाता ज़्यादा है, तो ये वाता का शरीर है, ये पिता का शरीर है, या ये काफा प्रकृति है इस शरीर की। जो वाता तरह के लोग होते हैं, उनकी जो स्किन होती है, ड्राई स्किन होती है, हल्के लोग होते हैं, वेट कम होता है, लाइट फुटेड होते हैं, इधर से उधर जाना, फुर्तीले होते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं वो वाता टाइप के लोग होते हैं। इनकी जो स्किन होती है वो कोल्ड होती है, ड्राई होती है। जो पिता टाइप के लोग होते हैं, पित जैसे कि नाम ही है, हीट ज़्यादा होती है उनमें। हीट ज़्यादा होने के कारण हमारे जो शरीर के अंदर ग्लैंड्स हैं जो कि एक्सक्रीट करते हैं, ये जो है हमारे एक तरह से कह सकते हैं कि हमारा जो है वेस्ट है, स्किन का भी वेस्ट होता है, जो बॉडी का वेस्ट होता है वो हमें पता है कि बॉडी का वेस्ट भी होता है, बट उसी प्रकार स्किन का भी वेस्ट होता है, जो कि स्वेट के माध्यम से, ऑयल ग्लैंड्स के माध्यम से हमारी स्किन से बाहर निकलता है। तो जो पिता दोष वाले लोग होते हैं, उनमें जो ये ग्लैंड होता है, जो कि जो स्वेट ग्लैंड होता है, जो ऑयल को जो निकाल रहा है फेस के बाहर, वो ऑयल ग्लैंड उनमें ज़्यादा काम करता है, क्योंकि बॉडी में हीट ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार के लोगों की स्किन ज़्यादातर ऑयली रहती है, क्योंकि उनमें हीट ज़्यादा होती है, तो वो क्रोधित जल्दी हो जाते हैं। इस प्रकार के लोग भी हल्के होते हैं, तेज़ फुर्तीले होते हैं, बट झट से उनको गुस्सा आ सकता है। इस प्रकार के लोगों को थोड़ा कूल रहने की ज़रूरत होती है, अपनी स्किन को भी कूल रखने की ज़रूरत होती है, उस पर हम बाद में आएंगे। फिर तीसरे प्रकार के लोग हैं काफा प्रकार के लोग। काफा प्रकार के जो लोग होते हैं, वो उनकी जो स्किन होती है वो थिक होती है, नॉर्मल होती है। उनकी स्किन ज़्यादा ना तो हीट करती है, ना वो कोल्ड होती है, नॉर्मल प्रकार की स्किन होती है। ये जो काफा वाले लोग होते हैं, ये ज़्यादा फुर्तीले नहीं होते, ये थोड़े से आप कह सकते हैं कि लेज़ी होते हैं, सोना पसंद करते हैं, काम नहीं करना पसंद करते हैं, आराम ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं, क्योंकि इनकी स्किन जो है नॉर्मल रहती है, ना ज़्यादा हीट होता है, ना कोल्ड होता है, ये काफा प्रकार की स्किन होती है। जब हम आते हैं इन दोषों के बाद, फिर हम आते हैं कि किसी को स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। जो वाता प्रकार के लोग होते हैं, उनको ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है स्किन में, स्किन ड्राई होने की ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है, बाल रूखे होना, डैंड्रफ होना, ये सारी जो प्रॉब्लम है वाता प्रकार के लोगों में ज़्यादा पाई जाती हैं। तो उसके लिए उनको ऑयल्स लगाना, जैसे कि तिल का तेल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, आलमंड ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, जो अच्छे वेजिटेबल ऑयल हैं आपके पास में, ये सारे तेल, कोकोनट ऑयल हो गया, ये सारे अवेलेबल हैं। ये अपने हाथों पे लगाना, एड़ियों पे लगाना, फेस पे लगाना, ये बहुत ज़रूरी है। ये वाता प्रकार के लोगों के लिए मैं बता रही हूँ। आयुर्वेद के हिसाब से
वाता के जो लोग होते हैं उनको जो है ज़्यादा ठंडा खाना नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनकी स्किन ऑलरेडी ठंडी है। जब वो कोई सिकाई भी करें अपनी, तो गर्म सिकाई करें। जिस तरह से अगर आपको फेस पे कोई कहते हैं टॉवल रखने के लिए, जैसे कि पोर्स क्लोज हो, तो उनको गर्म टॉवल रखना चाहिए, उनको ठंडा टॉवल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनकी जो स्किन की प्रकृति है वो ऑलरेडी ठंडी है, उनको उसे नॉर्मल करना है। वाता प्रकार के जो लोग हैं उनको आयुर्वेद के हिसाब से, हमारे आयुर्वेद थोड़े गर्म पैक्स, मतलब अगर वो कुछ पैक यूज़ करना चाहते तो लौंग और ब्लैक पेपर, इस तरह के फेस में अगर वो कोई पैक बना रहे हैं तो उन्होंने एक पाउडर लिया है, अगर वो उनको इस तरह के जो कि और स्किन को नहीं सूट करेगा पर इस स्किन के लिए वो बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि वो जो गरम है, जिन जिन चीज़ों की प्रकृति गरम है, जैसे कि अदरक हो गया, अदरक का जूस हो गया, ये सब जो गरम प्रकृति वाली चीज़ें हैं ये ब्लड सर्कुलेशंस को बढ़ाएंगी। खस का ऑयल हो गया, सैंडलवुड पेस्ट हो गया, सैंडलवुड ऑयल हो गया, ये जो चीज़ें हैं ये सारी, पचौली होता है, पचौली ऑयल, ये भी, ये जो चीज़ें हैं ये जब लगाते हैं तो ये जो है ब्लड सर्कुलेशंस बढ़ाएंगी, जो ठंडापन है उसको ये कम करेंगी। तो जो वाता प्रकार के लोग हैं उसी तरह से जब वो अपने सर में लगा रहे हैं, क्योंकि सर में जब खुश्की हो जाती है और उनको सर की मसाज करनी है या कुछ ऑयल लगाना है, तो वो उसी प्रकार से जब वाता प्रकृति के जो लोग हैं जिनकी की स्किन जिनको कि इस प्रकार के लोगों को ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, ये नॉर्मल उसमें भी ये खुश हैं, मतलब अगर एसी नहीं चल रहा है तो इनको बहुत गर्मी नहीं लगती, क्योंकि इनकी स्किन, इनकी प्रकृति ऑलरेडी ठंडी है, इनको ज़्यादा ठंड भी पसंद नहीं है। अगर आप इस प्रकृति के हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आयुर्वेद में, हमारे देश में कई कई हर्ब्स हैं, कई जड़ी बूटी हैं, हमें उसका तत्व जानना है कि ये जो है चीज़ ठंडी कर रही है कि गर्मी कर रही है। आपको वो चीज़ लगानी है जो कि आपके शरीर को थोड़ी गर्माहट दे, आपकी ब्लड सर्कुलेशंस को बढ़ाए, आपकी जो ड्राई स्किन हो रही है उसको वो ठीक करे। उसी तरह से दूध, कच्चा दूध, मलाई भी लगाई जा सकती है, क्योंकि आपको जो है ड्राइनेस को जब हटाना है, मलाई और कच्चा दूध हम रोज़ नहीं लगा सकते, उसको हम एक दिन छोड़ के लगा सकते हैं, और उसी टाइम लगा के उसी टाइम उतारना होता है। फिर जब हम आते हैं पिता प्रकृति के लोगों के ऊपर, कि पिता की प्रकृति के जो लोग हैं उनका, उनकी स्किन कैसी होती है, उनकी स्किन जो है बहुत ही गर्म होती है। गर्म होने के कारण जो एक्सक्रीट होता है स्किन से, उनके जो ग्लैंड्स हैं ऑयल ग्लैंड्स, तो उनकी जो निकल रहा है ऑयल ग्लैंड से, जो पसीना निकल रहा है, जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो ज़्यादा काम करते हैं, तो उस कारण से उनके जो स्किन में है ओपन पोर्स भी हो जाते हैं, क्योंकि स्किन जो है, ये जो ग्लैंड्स हैं ये हर टाइम ज़्यादा काम कर रहे हैं और ओपन, उससे क्या होता है त्वचा में जो छोटे छोटे हमारे छेद हैं वो खुल जाते हैं, और वो खुल के उसके अंदर कोई पस पड़ सकता है या उसके अंदर मिट्टी फंस सकती है, और जब हमने उसको साफ नहीं किया या उसमें हमारा ये जो स्वेट निकल रहा है ग्लैंड से वो ही उसमें फंस सकता है, तो वो जब फंस जाता है तो क्या होता है, पिंपल निकल आता है। और वैसे भी इस प्रकृति के लोगों में हीट तो अंदर बॉडी में है ही, ज़्यादा हीट होने से कहीं पे भी कोई दिक्कत, ज़्यादातर जब हम देखते हैं किसी को अगर कोई सिस्ट हो गया या कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया या किसी को, ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये ज़्यादा हीट बॉडी में होने की वजह से होती हैं। जहाँ हीट ज़्यादा होती है बॉडी में और वहाँ पे इन्फेक्शन जो है स्किन के माध्यम से वो बाहर निकल आता है। एक तरह से ये इन्फेक्शन जो बाहर निकलता है स्किन के माध्यम से, एलर्जी है, वो अच्छा भी है कि वो स्किन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर नहीं रहता है, शरीर के माध्यम से हमारा जो इन्फेक्शन है वो बाहर आ गया है, और उसको हम बाहर से भी ठीक कर देंगे और उसको फिर हम अंदर से भी ठीक करेंगे। उसी तरह से पिता प्रकृति के जो लोग हैं जिनकी की प्रकृति बहुत गर्मी वाली है, जिसमें कि पिंपल्स और
इस तरह के इन्फेक्शंस, एलर्जीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं कि ब्लैक हेड्स हो जाना, ब्लैक हेड्स मतलब कि काले काले धब्बे पड़ जाना फेस में, ये सब इस प्रकृति के लोगों में ज़्यादा ज़्यादा देखा जाता है। तो इनको अपनी साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना होगा। तो इन लोगों को साफ़ सफाई के लिए ज़रूरी नहीं है, बहुत 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 हर्ब्स हैं जो कि ये यूज़ कर सकते हैं। फिर इन्हें अपनी प्रकृति जो है शरीर की अंदर से और बाहर से दोनों से कूल करनी होगी। अंदर से हम कैसे कर सकते हैं, इस प्रकृति वाले लोगों को तला तलाया खाना और का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। ज़्यादा स्पाइसी खाना जिसमें कि ज़्यादा मिर्च मसाले हो, ऐसे खाने का सेवन भी नहीं करना चाहिए। ऐसी प्रकृति वाले लोगों को कूलिंग जो चीज़ें ठंडक दें वो लेनी चाहिए, जैसे कि दही हो गया, फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स के रस हो गए, और वेजिटेबल का सूप हो गया, जूस हो गया। और कोशिश करनी चाहिए कि फ्राइड फूड हम ना लें, क्योंकि हमारी आपकी जो स्किन है वो ऑलरेडी ही ऑयली है, अगर आप और तला तलाया खाएंगे तो और ऑयल मिलेगा बॉडी को पचाने के लिए, वो किसी भी तरह से वो आपकी स्किन में ही भी आएगा ऑयल। तो आप को जो है हाइड्रेट करने वाला ठंडा कूलिंग खाना खाना ज़रूरी है। ये तो अंदर की बात हो गई, और उसके लिए कई पाउडर्स हैं जो कि बहुत अच्छे माने जाते हैं, जो कि अगर आप एक कहते हैं एक स्पून जैसे कलौंजी का पाउडर 2 चम्मच, अगर किसी को कोई किसी तरह का इन्फेक्शन है 2 चम्मच 10 ग्राम आप ले सकते हैं, 2 चम्मच ज़्यादा हो गया, 10 ग्राम आप ये पाउडर ले सकते हैं पानी के साथ, कलौंजी का पाउडर। सैंडलवुड का तेल आप 1 ड्रॉप ले सकते हैं पानी में, तो ये कूलिंग करेगा। पेपरमिंट का तेल, पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल 1 ड्रॉप पानी में ले सकते हैं। तो इस प्रकार के लोगों को अंदर से पहले अपनी बॉडी को कूल करना है। बाहर से हमें क्या करना है, बाहर से हमें अपनी त्वचा को साफ करना है। उसका ध्यान रखना है कि जो हमारे हम दिन में 2 से 3 बार अपनी त्वचा को हम साफ करें, और जिस जो इस प्रकार के जो जिनका प्रकृति होती है पिता, उनका उनके सर के भी जो है सर में भी तेल ज़्यादा निकलता है, तो इस प्रकार के लोगों को अपनी पहले तो अपनी क्लीनिंग पे ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ है नीम पाउडर, आराम से मिल जाता है, आंवला का पाउडर, इनको आप लेके या आंवला को आप घर में भी सुखा के पाउडर बना सकते हैं, वो आपका फ्रेश पाउडर बनेगा। उसी तरह संतरे के छिलके सुखा के आप पाउडर बना सकते हैं, नींबू के छिलके सुखा के आप पाउडर बना सकते हैं, कलौंजी पीस के आप पाउडर बना सकते हैं। ये सब आप इन पाउडर्स से अगर आप अपना फेस साफ करेंगे, सिर्फ पानी लेंगे और इन पाउडर्स का मिक्स, या सिर्फ कोई एक ऐसा पाउडर और इससे आप अपना फेस साफ करेंगे, कुछ और नहीं लगाएंगे, तो भी बहुत अच्छा है। तो बहुत ज़रूरी है कि पहले तो हम अपनी साफ सफाई पे ध्यान दें जिनकी ऑयली स्किन है, और दूसरी चीज़ हमें अपनी स्किन को ठंडा रखना है। उसके लिए टोनर जो पोर्स को बंद करते हैं, जैसे कि एस्ट्रिंजेंट टोनर हो गया, या गुलाब जल हो गया, या फिर आजकल हाइड्रोसॉल चल रहे हैं, हाइड्रोसॉल हो गए, वो भी आप अगर स्प्रे करते रहेंगे तो आपका जो चेहरा है वो हाइड्रेटेड रहेगा, और आपके चेहरे में से की सफाई भी होती रहेगी और पोर्स भी बंद होते रहेंगे, जो हमारे छोटे छोटे त्वचा में पोर्स होते हैं वो भी बंद होते रहेंगे। फिर काफा की जो बॉडी टाइप है इनको करने के लिए नॉर्मल स्किन है, इनको थोड़ी एक्टिविटी करने की ज़रूरत होती है, बाहर से थोड़ी एक्सरसाइज करें, एक्टिविटी करें, इनको सर्कुलेशन अपनी बढ़ानी है। तो सर्कुलेशन बॉडी की बढ़ेगी तो थोड़ा सा ग्लो आएगा फेस में। तो इस तरह की बॉडी टाइप के, काफा टाइप के लोगों में स्किन तो नॉर्मल है पर डल है, ग्लो नहीं है। तो उस ग्लो को लाने के लिए हमें अपनी बॉडी में एक्टिविटी बनानी होगी, थोड़ा हीट जनरेट करना होगा, सो दैट वो जो ग्लो मिसिंग है वो ग्लो हमारे चेहरे पर आए। उपटन भी बहुत अच्छा काम करता है, उपटन आप घर में बना सकते हैं, बेसन लेके, बेसन उसमें थोड़ा चंदन का पाउडर डलता है और थोड़ी मलाई, जिसकी ड्राई स्किन है, जिसकी की पिथा वाता प्रकृति है वो तो लेगा उसमें मलाई, जिसकी की
पिता प्रकृति है वो उसमें डालेगा दही, एंड कापा वाले लोग जो हैं वो उसमें मलाई या दही या दूध भी ले सकते हैं उनका। फिर इसमें जो है आप अपना बाकी जो चीज़ें डालेंगे, जो वाता वाले हैं उनको गर्मी की ज़रूरत है तो वो ब्लैक पेपर, लौंग का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, खसखस, सैफ्रन, वो ये वाली चीज़ें डालेंगे। जिनकी पित्ता प्रकृति है तो जो उपटन बनता है, जो उपटन लेप हम लगाते हैं वो भी एक सा लेप नहीं होता, आपकी जो चेहरे की प्रकृति है आप उस हिसाब से ले सकते हैं। जिनकी ऑयली स्किन है, जिनकी स्किन पिता टाइप की है, पिता प्रकृति वाली स्किन है, वो जब इस उपटन को बनाएंगे तो वो नींबू के छिलके का पाउडर, संतरे के छिलके का पाउडर, कलौंजी का पाउडर, वो ये सब चीज़ें अपने बेसन में और अपने उसमें सैंडलवुड पाउडर में दही के साथ मिला के थोड़ा नींबू का जूस डाल के वो इस लेप को अगर लगाएंगे तो बहुत कूलिंग भी मिलेगा, स्किन हाइड्रेट भी होगी। बस 10 मिनट तक लगाना है, चाहे तो पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं, अच्छी सिर्फ चेहरे या नेक पे लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। बट ये आयुर्वेद के छोटे छोटे नुस्खे होते हैं जो कि स्किन में बहुत बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारा देश जो है बहुत रिच है, एंड हमारे जो देश में ने आयुर्वेद पूरी दुनिया को दिया है, हम लोगों के पास तो एक बूंद है जो कि हमें लॉन्ग और हेल्दी लाइफ और एक सुंदर चेहरा और एक सुंदर शरीर दे सकता है। तो हमें तो सिर्फ फॉलो करना है, आयुर्वेदिक रेसिपीज़ और आयुर्वेद को ट्राई करने में घबराएं नहीं। जब कोई आपको प्रैक्टिशनर बोलता है या कोई बोलता है कि आप इस पाउडर को लें और इसको लें और इससे आपकी प्रकृति ठीक होगी, तो उसको लेना चाहिए। जिस तरह से आप एक एलोपैथिक दवाई को बिना सोचे समझे कोई लिख के दे देता है, आप मुंह में डाल लेते हैं, क्योंकि तभी आपको आयुर्वेदा से तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। हमने ये आज जाना है कि आयुर्वेदा स्किन, जो हमारी स्किन और ब्यूटी सीक्रेट्स हैं आयुर्वेदा के हिसाब से, जब आप किसी के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास भी जाते हैं, तो आपसे ये नहीं पूछता कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, वो आपसे पूछता है तुम्हारा पर्पस क्या है, तुम क्या करते हो, तुम्हारे लाइफस्टाइल क्या है, तुम्हारी दिनचर्या क्या है। क्योंकि आयुर्वेदा के हिसाब से अगर हम किसी भी चीज़ को ठीक करने जाते हैं तो वो 360 डिग्रीज है, वो तभी पूरा ठीक हो सकता है। आयुर्वेदा के हिसाब से हम सिर्फ एक चीज लगा के चेहरे पर हम उसे ठीक नहीं कर सकते, वो पूरा संपूर्ण है। तो जब हमने देखा कि जो तीन तरह की प्रकृति है, बॉडी टाइप है लोगों की, वाता, पिता और काफा, जो वाता प्रकार के लोग हैं वो हल्के होते हैं, ड्राई स्किन वाले होते हैं, तो उनको अंदर से और बाहर से अपने शरीर का जो ये दोष है वो मिटाने के लिए उन्हीं चीज़ों को लेना होता है, जिनसे कि उन चीज़ों का सेवन अंदर से करना होता है इंटरनली, और बाहर से भी उन्हीं चीज़ों को लगाना होता है जिनसे कि उनकी स्किन की ड्राइनेस हटे, उनकी स्किन की ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और ग्लो आए। जो पिता प्रकार के लोग होते हैं, हमने देखा कि उनकी जो स्किन होती है वो हीट वाली होती है, पिता वाले जो लोग होते हैं उनमें हीट ज़्यादा बनती है, स्किन टाइप ऑयली होती है, और उस हिसाब से उनको अपनी हीट को कम करने के लिए उनको सेवन ठंडी चीज़ों का करना चाहिए और उनको अपने चेहरे पर भी ठंडी चीज़ें ही लगानी चाहिए। तीसरी जो प्रकृति है काफा वाले जो लोग होते हैं वो उनकी जो स्किन होती है नॉर्मल रहती है बट थोड़ी डल होती है, इन लोगों की एक्टिविटी कम होने के कारण। तो सबसे पहले तो काफा प्रकार की जो थिक स्किन होती है नॉर्मल होती है और थोड़ी डल होती है, जो डल है वो इसीलिए है क्योंकि एक्टिविटी कम है। तो इस काफा प्रकार के लोगों को जो है अपनी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। माइंड, हैप्पी माइंड इज हैप्पी बॉडी, हैप्पी स्किन, हैप्पी फेस, इट इज ऑल 360 डिग्री। सोना, एक्सरसाइज, व्यायाम करना, इनहेल एक्सहेल, सांस का सही तरह से लेना,
ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। प्रकृति के बीच में रहना, प्रकृति के साथ रहना, ऑर्गेनिक हरी चीज़ों का, हरी वेजिटेरियन होना और हरी चीज़ों का सेवन करना, ये सब चीज़ें जो हैं आयुर्वेदा के हिसाब से बहुत बहुत ज़रूरी हैं। जो चीज़ ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए, वही चीज़ आपकी स्किन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं क्वेश्चंस लेती हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, तो अब मैं शुरू से क्वेश्चंस लेना शुरू करती हूँ। रीना जी नमस्ते, आपने पूछा है कि मेरी बॉडी की स्किन ड्राई रहती है बट बॉडी गर्म रहती है, और फेस की स्किन सॉफ्ट एंड ऑयली है थोड़ा, बॉडी की स्किन की ड्राइनेस के लिए क्या सप्लीमेंट का फूड लेना चाहिए? रीना जी, आप देखिए, हमारे जो शरीर में एक तो दोष होता है जो कि मेन दोष है, और बाकी जो है सब दोष है। एक दोष है जो कि मेन है, और दूसरा दोष है जो कि सब दोष है। तो आपकी जो बॉडी की जो स्किन है वो ड्राई है बट और गर्म रहती है, और फेस की स्किन सॉफ्ट और ऑयली है। देखिए, फेस तो सभी का सॉफ्ट होता है, और ऑयली है थोड़ा, तो मतलब आपको श्योर नहीं है कि थोड़ा, मतलब मे बी कॉम्बिनेशन में ऑयली है। हमारी जो स्किन है या जो हमारी बॉडी के दोष हैं वो एक नहीं रहते। मैंने जैसे शुरू में बताया था, जन्म से मृत्यु तक हमारे दोष एक प्रकार के नहीं रहते। हो सकता है कि आपकी बॉडी ड्राई हो, और अब कोई हार्मोनल चेंजेस के कारण या कोई इंटरनल चेंजेस के कारण आपकी स्किन अब ऑयली की तरफ जा रही हो, और आपका वाता का जो दोष है, जो ड्राइनेस वाला दोष है, वो हल्का कम पड़ के पिता का दोष भी हो रहा हो, ये भी हो सकता है। और दूसरा चीज भी हो सकती है कि पिता हो और अब हल्का हल्का हार्मोनल चेंज की वजह से वो ड्राई हो रही हो स्किन और वाता बढ़ रहा हो। हमें इसको जो है, हमें इसको दो प्रकार से देखना होगा। सबसे पहले तो आपको बताना होगा, जो कि आपसे डिस्कस करके ही पता चलेगा कि आपकी जो जो बॉडी की आपकी जो जो आपकी बॉडी की स्किन की ड्राइनेस है, ये शुरू से ही है कि ये अभी हुई है, और जो फेस में आपके जो इरप्शंस, जो आप कह रहे हो कि फेस ऑयली हो रहा है, टी जोन, ये क्या अभी हो रहा है या ये शुरू से ही है? कोई एक चीज तो अभी होनी शुरू हुई होगी। ओके, आपका कोई जवाब नहीं आया, पर अब हम इसी पर आते हैं कि अगर किसी के शरीर में ड्राइनेस है तो उसके लिए क्या सप्लीमेंट लेना चाहिए। अगर आपके शरीर में ड्राइनेस है तो सप्लीमेंट्स लेने बिल्कुल नहीं चाहिए। एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स से स्किन, आपको अपने दोषा को ठीक करना है। तो ड्राई है अगर आपकी स्किन, तो आपको पहली बात तो अपने जो खाने में है, अगर आपने बिल्कुल ही फैट्स लेने बंद कर दिए हैं, मतलब अगर आपने बिल्कुल ही तेल, तला तलाया चीज़ खाना बंद कर छोड़ दिया है, तो एक हल्की मात्रा में खाना ज़रूरी होता है। आप अपना कुछ ड्राई फ्रूट्स का भी आप थोड़ा सेवन कर सकते हैं, हल्के फुल्के, जो कि आप भिगो के लेंगे, और इसको आप दूध में अगर मिला के लेंगे, एक इसका एक ठंडाई टाइप बना के, जो कि वो भी काम करेगा आपको हाइड स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। आपको जो है बाहर से, अगर जहाँ पे बॉडी आपको ड्राई लगती है, आपको सिर्फ एक लोशन लगाना है, क्योंकि आपकी बॉडी की प्रकृति क्या है वो हम अभी ऐसे नहीं बता पाएंगे कि बॉडी की प्रकृति क्या है, पर अगर स्किन ड्राई कर रही है तो आप लोशन लगाइए, और लोशन, बॉडी लोशन लगाइए या आप क्रीम लगाइए, और जहाँ जहाँ आपकी स्किन ऑयली है, जिन लोगों की कॉम्बिनेशन स्किन होती है, उनको जो जब वो अपने चेहरे पर कुछ लगाएं तो उनको एक ही मात्रा में पूरे चेहरे पर नहीं लगाना है। मोस्टली देखा गया है कि जहाँ पे ऑयली होती है, जहाँ आपकी स्किन थोड़ी सी ऑयली है, वो आपका टी जोन होता है, माथे का एरिया और नाक का एरिया और चिन का एरिया, तो आप इस एरिया पे आप ना लगाएं।
जो भी आप लोशन सेरम या आप फेस चेहरे पे जो लगा रही हैं, आप इस एरिया पे जो है आप टोनर लगाएं या आप जेल बेस कुछ लगाएं, और जहाँ जहाँ आपकी स्किन ड्राई है वहाँ वहाँ आप लोशन क्रीम लगाएं। हाँ, कुछ लोगों में तीनों दोषास हो सकते हैं, बट तीनों दोषास, दूसरा क्वेश्चन है कि क्या किसी में तीन दोष हो सकते हैं? आपकी बॉडी में तीनों, हम सबकी बॉडी में तीनों दोष है, बट कोई एक दोष है जो कि बढ़ गया है तभी उसको दोष बोलते हैं। हम सब में वात भी है, पित्त भी है और काफा भी है, बट कोई एक चीज हम में आगे हो गई है तभी वो दोष बन गई है। दे से इन इंग्लिश एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, किसी भी चीज जो भी ज्यादा हो जाती है वो बुरी है, तभी उसको हम दोष मान लेते हैं। तो तभी हम सबके अंदर, और इसी को हमें बैलेंस करके चलना होता है, जब वो कोई भी दोष बढ़ जाएगा, ड्राई वाता बढ़ जाएगा या पिता बढ़ जाएगा या काफा बढ़ जाएगा, हमें उसको बैलेंस करना है। तो अपने जीवन को नियंत्रण में करके, अपने खाने पीने को ठीक करके, हम उस दोष को अपने दोष को हम ठीक कर सकते हैं। उसी से ही हमारी स्किन में, हमारी बॉडी में जो भी बदलाव आए हैं, लोग इसको हार्मोनल चेंज भी कहते हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं ये किसी दोष के बढ़ने से ही बॉडी में आ जाती हैं। तो हमें इस दोष को ही हमें नियंत्रण में लाना होगा। हाउ टू गेट परमानेंट, ओके, डार्क आईज कैसे ठीक होंगे? अगर आपके आंखों के नीचे डार्क आईज हैं, और ये बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, हमारी आंखों के नीचे जो का जो एरिया है वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स रहते हैं, जो खून की वो रहती है मूवमेंट, वो बिल्कुल कम से कम रहती है, तभी हमें आंखों के नीचे अपने कोई वो वेन्स नहीं नज़र आते जो बाकी चेहरे पे नज़र आते हैं। क्योंकि इस एरिया में सर्कुलेशन ब्लड की कम होती है, तो ये एरिया जो है अगर कभी डार्क सर्कल हो गए तो पैची हो जाता है, और जो डार्क सर्कल्स हैं या कोई हमें लगता है कि आंखें पफी हो गई हैं, तो क्योंकि वो चीज़ जो है वो एक बार जो हो जाती है वो जाती आसानी से नहीं है, पर वो चली जाती है पर अगर हम ध्यान दें तो बेसिकली हमें सर्कुलेशन बढ़ाना है। कितने लोगों को याद रहता है जब वो दिन भर में सांस लेते हैं या दिन भर में वो एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, क्रीम लगाते हैं, कि हमें आंखों के नीचे अपने एरिया को मसाज करना है। इसको भी एक नियंत्रित वे में अपने एक हैबिट बना लें कि आपको रोज़ अपनी आंखों के नीचे सर्कुलेशन को बढ़ाना है। ये तो एक बात है जो कि सभी को करनी चाहिए, जिनको कि डार्क सर्कल्स हैं उनको भी और जिनको नहीं है उनको भी। हमें अपनी आंखों के नीचे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जब अगर डार्क सर्कल्स हो गए तो हमें क्या करना चाहिए? डार्क सर्कल्स मिटाने के लिए बहुत तरीके हैं गौरव। आप क्या कर सकते हैं, जो टी के बैग्स, अगर आप ग्रीन टी लेते हैं तो आप ग्रीन टी अपने लेने के बाद टी बैग्स अपने रख सकते हैं फ्रिज में, और आप उनको भी लगा सकते हैं, उससे आपकी पफिनेस जाएगी। जो टोमेटो आलू रहता है, पोटैटो, आलू की स्लाइस करके, आप एक, हमने आलू को स्लाइस किया, बीच से काटा, दो गोले निकाल लिए स्लाइस करके, उन गोल को हमने एक बोल में पानी में डाल के फ्रिज में रख दिया। वो थोड़ा ठंडा जब हो जाए तो आलू में जो है स्टार्च रहता है, और उसमें वो जो क्वालिटीज होती हैं कि वो पिगमेंटेशन पर वर्क करता है, तो उसको जब हम आंखों के ऊपर आप रख सकते हैं और उसको थोड़ी देर 10 मिनट बाद उतार के आप हल्की हल्की अपनी उंगलियों से मसाज कर सकते हैं। आंखों के पास मसाज करने के लिए हमेशा याद रखें कि कभी भी हमें टू एंड फ्रो नहीं करना होता, जैसे कि हम चेहरे पे करते हैं ऊपर नीचे टू फ्रो। इसमें सिर्फ हमें टैप 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 करना होता है, बस हल्की उंगली से आँखों के लिए उतना ही बहुत है। अच्छी नींद होना तो बहुत ज़रूरी है ही,
उसी तरह से जिस तरह से आपको मैंने ये टमाटर का बताया, आलू का बताया, टमाटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। टमाटर में लिकोपीन, विटामिन सी, ऐसी चीज़ें रहती हैं जो कि पिगमेंटेशन पे, डार्क सर्कल स्पॉट्स पे काम करते हैं। टमाटर का जूस लेके या फिर सिर्फ टमाटर को भी इसी तरह से स्लाइस करके आप आँखों के ऊपर ठंडे टमाटर को छोड़ सकते हैं। अगर आप ये हफ्ते में रोज़ करेंगे तो विद इन अ वीक आपको अपने डार्क सर्कल्स कम होते नज़र आएंगे। या रश्मि इज आस्किंग हाउ कैन आई रिमूव, मैं एक्ने मार्क्स कैसे रिमूव कर सकती हूँ, कोई घर की रेमेडी बताएं। जब हमारे को एक्ने होता है और एक्ने को दबा दिया जाता है और एक्ने चला जाता है तो कभी कभी चेहरे पे कुछ मार्क्स रह जाते हैं और वो मार्क्स जा सकते हैं। उन मार्क्स के ऊपर हमें जो है बेसिकली हमें जिन चीज़ों में विटामिन सी रहता है, जैसे कि रश्मि आप एक एक्ने के लिए जो मार्क्स रह गए हैं पिगमेंटेशन देते हैं। पिगमेंटेशन हटाने के लिए आपका स्किन टाइप कैसा है, मैं दोनों स्किन टाइप पे बता देती हूँ। अगर आपका स्किन टाइप जो है ड्राई स्किन है और मोस्टली एक्ने के मार्क्स रहते तो जिन लोगों को ही हैं जिनकी ऑयली स्किन होती है, पर कभी कभी लोगों की ड्राई स्किन भी हो जाती है तो और मार्क्स भी होते हैं पिगमेंटेशन मार्क्स, तो चिरौंजी बहुत अच्छी है। चिरौंजी को अगर आप कच्चे दूध में भिगो के उसको आप लगाते हैं और उसको आप लगा के 10 मिनट बाद उसको आप अच्छे से मसाज करके उतारते हैं तो वो जो है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और उसमें प्रॉपर्टी है कि वो आपके मार्क्स को लाइटन करता है। जिनकी भी ड्राई स्किन है, अगर उनको एक्ने मार्क नहीं है, कोई और भी पिगमेंटेशन है, धब्बा है या कुछ भी है, इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। थोड़ा स्टिकी हो जाता है चिरौंजी लगाने के बाद, जब आप लगाओगे थोड़ा टपकता है क्योंकि ये पैक टाइप नहीं बन पाता। हम कच्चे दूध में या दूध में जब इसको भिगोएंगे तो ये रहेगा तो लिक्विड ही, बट थोड़े टाइम के बाद ये पकड़ बना लेता है फेस पे, फिर इसको आपको थोड़ा सा मसाज करके उतारना है। अगर आपकी जो स्किन है, जैसे कि आपकी स्किन जो है वो है अगर ऑयली की टाइप की स्किन है तो एक्ने के जो मार्क्स हैं, बेसिकली मार्क कोई भी मार्क हमारे चेहरे पे तब होता है जबकि हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है हमें, और उसमें कुछ डालना है कि वो हाइड्रेट, जब कोई चीज़ सूख जाती है तो वो मार्क बना देती है। अब वो सूख गई है तो हमें उसको हाइड्रेट करना है, हमें उसको नरिश करना है। जो है अगर आपका वो ड्राई ऑयली स्किन टाइप है तो आप कोई तेल या मिल्क वो तो नहीं यूज़ कर सकते, तो आपको आप एलोवेरा का जेल यूज़ कर सकते हो या आप एक पैक बना सकते हो। चावल का पाउडर ले सकते हो आप, उसमें आप ऑरेंज को आपको सुखाना है, ऑरेंज पील का पाउडर आप उसमें कलौंजी का पाउडर ये डाल के आप इस पेस्ट को अपने फेस पर लगाओ। इसमें आप थोड़ा सा हनी डाल सकते हो फॉर हाइड्रेशन, और आप इसमें जो है नींबू हल्का सा डाल सकते हो। इसको आप लगा के, सेम वही है कि इसको लगा के कोई भी पैक आप लगाओगे, जब आप कोई लेप लगाते हो उस लेप को लगा दिया वो छोड़ दिया वो हाइड्रेट कर रहा है, पर जब भी आप इसको उतारोगे आप इसको मसाज करते हुए उतारोगे ताकि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है उस एरिया में जहाँ पे कि आपके एक्ने मार्क्स हैं वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी तो आपके मार्क्स फेड होना शुरू हो जाएंगे। उसी तरह से एक तेल है सैफ्रन ऑयल। सैफ्रन ऑयल अगर आपके पास नहीं भी है और सैफ्रन है घर में, आप सैफ्रन ले लो। सैफ्रन आराम से मिल जाता है, केसर दुकानों पे मिलता है, आप केसर ले लो। आप केसर को पानी में, जितना केसर है, अगर आपने 5 ग्राम केसर लिया तो 5 ग्राम पानी, ठीक है, अगर 10 ग्राम है तो 10 ग्राम पानी, उतने में ही उतना ही उसको छोड़ना है, ठीक है। जब आप उबालना शुरू करोगे आप डबल ले सकते हो कि 10 ग्राम पानी लिया, 5 ग्राम केसर है, आपने उबालना शुरू किया, उबलते उबलते वो उतना ही रह गया जितना आपकी केसर था, आधी क्वांटिटी हो गई। ये आपका
केसर का वो रेडी हो गया है। इसको अगर आप अपने चेहरे पे लगाओगे, जिनकी स्किन जो है नॉर्मल भी है, ज़्यादा ऑयली नहीं है, वो दूध में भी कर सकते हैं इसको। केसर को सिर्फ 2 दाने केसर वो रोज़ सुबह हल्के से 1 चम्मच दूध में भिगो दें, वो सॉफ्ट हो जाता है, केसर अपनी छोड़ देता है। केसर को फिर आप अपने चेहरे पर लगा लें। ये जो है पिगमेंटेशन और एक्ने मार्क्स और कोई किसी को भी कोई इसी तरह के मार्क्स हो और ग्लो लाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। आप जब ये पैक भी बनाती हैं, दूसरा पैक जिसमें कि ऑरेंज पील पाउडर है, कलौंजी है, आप इसमें भी पानी में थोड़ा केसर मिला सोक करके आप पेस्ट जब बना रही हैं, अपना लेप बना रही हैं, तब भी आप इसमें इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। आयुर्वेद के हिसाब से केसर की जो यूज़ है, केसर जब यूज़ होता था बहुत ही पुराना यूज़ है इसका, और स्पेशली स्किन में ग्लो लाने में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो केसर भी आप ट्राई कर सकती हैं अपने एक्ने मार्क्स के लिए। केसर को का अगर आपकी स्किन जो है थोड़ी ड्राई टाइप में है तो आप बादाम के तेल लेके या आप जोजोबा एक तेल आता है वो वाला तेल लेके या बादाम का तेल लेके उसमें थोड़े दाने केसर के डाल के आप इसको ओवरनाइट रख सकती हैं या इसको अच्छे से उबाल सकती हैं और इसको स्टोर कर सकती हैं। ये तेल भी आपके एक्ने मार्क्स पे बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गोलू जिनवाल इज आस्किंग, बोलो ना, आई कांट अंडरस्टैंड, ओके। मंजरी खरे इज आस्किंग हाउ डू यू नो स्किन टाइप, माई स्किन इज समटाइम्स ऑयली समटाइम्स ड्राई। मंजरी ये तो सभी के साथ होता है, हमारी स्किन कभी भी एक सी नहीं रहती है। क्लाइमेट ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जिन लोगों की स्किन जिन लोगों की त्वचा गर्मी सर्दियों में होती है ड्राई, गर्मी आते आते जो कि मई जून का महीना है ऑयली स्किन बन चुकी होती है या कॉम्बिनेशन स्किन बन चुकी होती है, तो कभी भी आप जब कोई प्रोडक्ट लें खरीदें ये ना समझें कि मैंने ये प्रोडक्ट जो लिया है सर्दियों में वो मेरा प्रोडक्ट, या ये जो मैं लगाती हूँ अपने चेहरे में सर्दियों में ये मेरे को गर्मियों में भी यही चलेगा। सर्दी गर्मी हमारे अंदर शरीर के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है अगर वो डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम ना कर रहा हो तब भी हमारी स्किन टाइप बदल जाती है। तो परमानेंट नहीं होता है ये, बट स्किन टाइप तो बदल गई, तो हमें अपने शरीर को सुनना बहुत ज़रूरी है। मोस्टली आपको अगर अपना स्किन टाइप जानना है कि आपकी स्किन टाइप क्या है मंजरी, तो जब आप मॉर्निंग में उठती हैं और आप अपना नहा के निकलती हैं 10 मिनट तक अगर आप कुछ चेहरे पर ना लगाएं और आपको लगे कि आपका चेहरा ड्राई नहीं हो रहा, इची नहीं हो रहा, उस तरह से फील नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब आपका जो स्किन टाइप है वो ड्राई स्किन नहीं है, क्योंकि वो ड्राई नहीं हो रहा है, वो ऑयली स्किन टाइप की तरफ है। अगर आपका स्किन टाइप 10-20 मिनट तक भी कुछ फील नहीं कर रहा तो पक्का ही ऑयली है। अगर वो 10 मिनट बाद आपको नीड लगती है तो वो नॉर्मल है, और अगर आपको बिल्कुल ही 1-2 मिनट में नहा के निकल के एकदम से लगता है कि मैं कुछ चेहरे पे लगा लूँ, मेरा स्किन जो चेहरा है बिल्कुल फील कर रहा है कि इसको कुछ चाहिए, इसको कुछ लगाना चाहिए, ड्राई फील कर रहा है, या आपको तो आपकी जो स्किन है वो ड्राई स्किन है। कई बार जब हम एलोपैथिक मेडिसिंस का अधिक सेवन कर लेते हैं उनको, तब भी हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, क्योंकि वो बॉडी में असर करता है, वो जो गर्मी है वो बॉडी में आती है, उसके कारण हाथों के अंदर की त्वचा, एड़ियों की त्वचा वो दिखने लगता है, हमारे चेहरे आँखों के नीचे फेस पे स्किन जो है डार्क लगने लगता है, क्योंकि वो जो गर्मी है एलोपैथिक मेडिसिंस की उसने हमारी त्वचा को ड्राई कर दिया है। तो उस टाइम पे अपनी स्किन को जानते हुए कि ये ड्राई हो रही है और इस कारण से हो रही है, तो हमें ज़्यादा लोशन मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत है। जिनकी ऑयली स्किन है उस टाइम पे उनको भी लगाना पड़ेगा ज़्यादा।
तो आप समझ गए होंगे. एंड माय स्किन था समटाइम्स ऑयली समटाइम्स ड्राई, तो आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है. आप चेहरे पे जो प्रोडक्ट्स लगाएं आप ये भी देख के लगा सकते हैं कि आप कहीं पे तो जेल वाले प्रोडक्ट्स लगा रही हैं और कहीं पे आप क्रीम वाले प्रोडक्ट्स लगा रही हैं. कॉम्बिनेशन वाले लोग ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे चेहरे पर एक ही प्रोडक्ट लगाएं. तो आप आंखों के नीचे नाक पर जहां आपको स्वेटिंग ज़्यादा होती है वहां आप जेल वाले प्रोडक्ट लगा सकती हैं, और आप चीक्स पे जहां पे ड्राइनेस ज़्यादा है या नेक पर वहां पे आप क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट लगा सकती हैं. अगर नेक्स्ट क्वेश्चन तस्वीर इज आस्किंग कि फेशियल हेयर को हम कैसे कैसे हम हटा सकते हैं फेशियल हेयर को. सो तस्वीर बेस्ट वे इज़ उपटन. अगर आप एक अच्छा उपटन बनाती हैं और आप उस अच्छे उपटन का मतलब है क्या है कि हम जो फेस के बाल हैं हमारे वो जो है हमें उनको तोड़ना है, ठीक है, जड़ से हटाना है हमें उन्हें. तो जड़ से हम हटाएंगे और हम अगर इस उपटन को जो उपटन हम जब बनाएं वो उपटन थोड़ा चिपचिपा होना चाहिए, ठीक है. तो उसको चिपचिपा करने के लिए उसमें थोड़ा सा हम शहद दे सकते हैं. उसमें अगर ड्राई स्किन है तो मलाई से बनाओ, अगर आपकी ड्राई स्किन नहीं है और तो आप इसको सिर्फ दूध से बनाओ. बट चिपचिपाहट डालने के लिए आप थोड़ा सा इसमें चीनी जो है इस उपटन में चीनी का पाउडर वो ज़रूर डालिए. जब हल्का उपटन ये गरम हो, जब भी आप मलाई डालते हैं या कुछ डालते हैं उसको हल्का गरम करके डालिए ताकि आपके जो हर्ब्स हैं जो आपने बाकी चीज़ें डाली हैं जैसे ऑरेंज का पील पाउडर डाला है या आपने इसमें कलौंजी का पाउडर डाला है इसको स्क्रबिंग को बनाने के लिए या आपने नींबू के छिलकों का पाउडर डाला है, आप इसमें पपीते के जो बीज होते हैं उनको भी सुखा के उनका पाउडर बना के रख सकती हैं, उसका पाउडर भी डाल सकती हैं. तो जो सारे तत्व होंगे उस फ्रूट के, उस नींबू के या उस चीज़ के, वो उस उपटन में भी जा रहे हैं. उसको थोड़ी चिपचिपाहट देने के लिए हम इसमें थोड़ा शहद और हम थोड़ी चीनी डालते हैं. चीनी हाइड्रेट भी करती है, पर जब हम इसको एक्सफोलिएट करते हैं और जब ये छूटता है स्किन से तो ये बाल भी कुछ कुछ टूटने शुरू हो जाते हैं, ठीक है. उस टाइम पे सर्कुलेशन कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है जब आप रोज़ करेंगी इसको कि लगेगा कि उस एरिया का आपका चेहरा लाल हो गया है, पर क्योंकि आप इसको नेचुरल वे में कर रही हैं इसमें डरने की कोई बात नहीं है. वो चेहरा फिर 10 मिनट में वैसा ही हो जाएगा जैसा था, पर इसको हमें रेगुलरली करना होगा, रोज़ करना होगा ताकि इसके हमें रिजल्ट्स नज़र आएं. नहीं तो फिर हमें आपको इसके इस चीज़ के रिजल्ट्स नहीं नज़र आएंगे. एक दिन तो होगा फिर दूसरे दिन नहीं होगा. और ये बात पक्की है कि जो बाल इस तरह से एक्सफोलिएट करके हम निकालते हैं दोबारा नहीं आते. तो ऐसे धीरे धीरे आपकी ग्रोथ भी कम हो जाएगी बालों की. बॉडी की ड्राइनेस के लिए इंटरनली क्या खाना चाहिए. फेस में ड्राइनेस नहीं है, सिर्फ बॉडी में रहती है. बॉडी मोस्टली ओके ओके रीना रीना आपका क्या वेट लॉस हुआ है? जनरली पूछ रही हूँ क्या अभी रीसेंट हुआ है वेट लॉस, या आपने कोई इस तरह की कोई दवाइयाँ तो नहीं खाई जो कि आपके जिसने कि आपके शरीर को ड्राई कर दिया है. उसके लिए देखिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कोकोनट का पानी, नारियल पानी बहुत अच्छा होता है. छाछ, ठंडाई, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़रूरी हैं. अंदर से अगर ड्राइनेस हो गई है बॉडी में उसको हमें ड्राइनेस को अंदर से जो ड्राइनेस है उसको हटाने के लिए तो आपको इन सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए. बॉडी अंदर से आपको अपनी शरीर को ये सारी चीज़ें जो है जो कि ठंडक देने वाली चीज़ें हैं, कूलिंग चीज़ें हैं जिनका तत्व ठंडा है वो आपको लेनी होंगी. और अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पर लेंगी जैसे कि दूध हो गया ठंडा, क्योंकि आपको जो है बॉडी में गर्मी बॉडी को अंदर से आपको कूल करना है. और कच्ची हल्दी
बहुत बहुत अच्छा है अगर आप दूध में डाल के लेती हैं। इससे बॉडी की आपकी ड्राइनेस भी और कोई भी इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग कुछ भी है बॉडी के अंदर, क्योंकि हमें नहीं पता शरीर के अंदर क्या क्या है, ये एक नेचुरल उपचार है जो कि बहुत आसान है करने के लिए। कच्ची हल्दी दूध में डाल के आप रोज़ रात में इसको लें, ये बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा काम करेगा। बंसल नैना इज आस्किंग कि मुझे पसीना बहुत आता है जिससे बहुत ब्लैक हो गया है, भी लगता है फेस, और इसके लिए फेस क्लियर हो जाए इसके लिए क्या करना चाहिए। सो आपको अगर आपको अगर नैना अगर आपको पसीना बहुत आता है तो इसका मतलब है आपके अंदर हीट है जो कि ज़्यादा है बॉडी के अंदर, पिता दोष ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो आप जैसे जो गर्म चीज़ें हैं, स्पाइसी खाना है और तलत लाया खाना है, उसका सेवन आप कम करें, ठीक है। और आप अपने चेहरे को साफ रखें, दिन में 2 या 3 बार अपने फेस को ज़रूर साफ करें आप। जिन चीज़ों में विटामिन सी होता है, जिन जिन चीज़ों में, उनका सेवन खाने में भी करें और उन्हीं का सेवन करें अगर आप कोई लेप लगा रहे हैं तो अंदर से भी और बाहर से भी, क्योंकि वो आपकी अगर स्किन ब्लैक हो गई है, टैन हो गई है, ब्लैक का मतलब है कि स्किन आपकी टैन हो गई है सन में जाने से। और एक प्रोडक्ट है सनस्क्रीन, जो कि एक अच्छी मात्रा में, अगर आप धूप में बहुत निकलते हैं तो सनस्क्रीन जो कि एक लोशन फॉर्म में भी मिलता है, क्रीम फॉर्म में भी मिलता है और लिक्विड स्प्रे फॉर्म में भी मिलता है, क्योंकि आपकी स्किन टाइप ऑयली है तो आप एक स्प्रे टाइप में जो सनस्क्रीन मिलता है आप ज़रूर लगाएं अपने फेस पर, क्योंकि स्किन सिर्फ काली नहीं होगी, उसमें दाग धब्बे और भी बहुत चीज़ें हो जाएंगी अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे। आयुर्वेद में बहुत चीज़ों का, सब चीज़ों का उपचार है, पर जैसे कि ये प्रोडक्ट है सनस्क्रीन, इसके इसमें हमें UVA UVB फिल्टर्स डालने होते हैं जो कि उनसे बनते हैं, मिनरल्स से, जैसे कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो गया, ये सब ऑर्गेनिक मिनरल्स रहते हैं, पर इनके साथ साथ आपको इसमें विटामिन सी जो कि नींबू के एक्सट्रैक्ट से होता है या आपको बाकी चीज़ों से मिलता है वो भी आपको मिलेगा। तो आप अपने लिए एक तो अच्छा मार्केट में जाके प्रोडक्ट देखें जो कि आपकी त्वचा को सूट करे, हल्का हो आपकी, क्योंकि स्किन ऑयली है, पसीना ऑलरेडी ज़्यादा आता है, पर सनस्क्रीन लगाना धूप में जाते टाइम बहुत ज़रूरी है। और एक टोनर अपने पास में रखें, जब भी पसीना आ रहा है पसीना पोंछना और उसको साफ़ करना, धोना पानी से, ठंडे पानी से, बहुत ज़रूरी है और बहुत सिंपल है ये, ठंडे पानी से चेहरे को धोना, क्योंकि उससे आप अपना जो पसीना है, क्लॉग्स हैं, जो हमारी त्वचा में छोटे छोटे पोर्स हैं, वो पसीना वहाँ रुक गया है, हमें उसको वहाँ से हटाना है, तो वो हम पानी डाल के धो के ही हटा सकते हैं। तो आप इसको चेहरे को धोएं, जो कि सबसे सिंपल है, और फिर टोनर एक रखें, एस्ट्रिंजेंट टोनर, जो आपके पोर्स को क्लोज कर दे, आपके जो त्वचा के पोर्स खुल गए हैं उसको वो बंद कर दे, ताकि कोई ब्लैक हेड, कोई चीज़ दब ना जाए आपके चेहरे में, जो कि एक दाग या जो कि एक स्पॉट का, डार्क स्पॉट का ले ले। ने रूखी और ऑयली त्वचा का आंसर कर लिया है, तो शाज भी हो गए हैं। मैं लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ अब, जो कि निखिल का है। निखिल का कहना है कि मेरा जो स्कैल्प है बहुत ड्राई है और मैं अप्लाई ऑयल करता हूँ तो अच्छा, मेरा माई स्कैल्प इज़ वेरी ड्राई एंड इफ़ आई अप्लाई ऑयल ऑन माई हेयर्स देन इट मेक्स माई फेशियल स्किन ऑयली एंड दैट डेवलप्स इन टू पिम्पल्स एंड वॉट शुड आई डू। निखिल
आई फील आप सही से तेल नहीं लगा रहे हैं अपने स्कैल्प में। जब हम स्कैल्प में तेल लगा रहे हैं, पहली चीज़ तो आप ये देखिए, आप जब स्कैल्प में तेल लगा रहे हैं तो वो आपको स्कैल्प पे लगाना है। आप कोशिश करें कि एक रुई का प्रयोग करें तेल लगाने के लिए, अपनी उंगलियों का नहीं, क्योंकि कुछ तेल आपके हाथ में रह जाएगा ज़रूर और वो फिर आपके चेहरे पे ज़रूर लग सकता है। अगर आपका स्कैल्प ड्राई है और डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप इस चीज़ में बिल्कुल मत सोचिए, सब सूख लेगा। आपके स्कैल्प में आप जो भी लगाएंगे वो सब चला जाएगा अंदर, उसके अंदर पोर्स हैं छोटे छोटे, जो कि आप जब तेल लगाते हैं तो जो तेल लगाना है वो सिर्फ स्कैल्प में लगाना है, वो बालों में नहीं लगाना, तो बालों तक भी नहीं आना चाहिए। तो जब आप तेल लगाते हैं आप बालों को पार्ट करके कि इधर के स्कैल्प पे लगाया, फिर उसको पार्ट करके इधर के में, इस तरह से सिर्फ आपको स्कैल्प के अंदर रुई से तेल लगाना है। और अगर आप इसको नियमित तौर से तेल को लगाते हैं हफ्ते में 3 बार, तो आपका जो स्कैल्प भी जो ड्राई फील होता है वो ड्राइनेस की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तेल जब आप चुनते हैं तो आप ऐसा तेल चुनिए जो कि हल्का हो और जो कि अच्छे से अब्सॉर्ब जल्दी हो जाए। आपको नेचुरल तेल चुनिए, LLP लाइट लिक्विड पैराफिन। ज़्यादातर जो तेल मार्केट में मिलते हैं जैसे उनमें खुशबू रहती है, रंग रहता है, बट जो बेस का तेल रहता है वो लाइट लिक्विड पैराफिन रहता है। ये जो पैराफिन का तेल है ये स्किन में इतनी आसानी से, क्योंकि ये पैराफिन है नेचुरल नहीं है, ये इतनी आसानी से अब्सॉर्ब नहीं होता और इसी कारण से ये जो तेल है ये ऊपर ऊपर ही रहता है और बालों में नीचे बालों में आ जाता है स्कैल्प में ना जाने के। तो तिल का तेल बहुत अच्छा है। आप केवल आपको करना क्या है, आप अपने लिए घर में भी बना सकते हैं इस तेल को। सिंपल रेसिपी है, आप तिल का तेल लें 100 ग्राम, अगर आप करछी में लेते हैं तो 4 बड़ी करछी, ठीक है, आपने वो लिया, आपने इस तेल को गर्म किया। आप कपूर लें, अगर आपके पास आप पूजा करते होंगे तो कपूर की टिक्किया होती हैं छोटी छोटी, 4 या 5 वो, या फिर एक छोटा चम्मच कपूर का आपने वो डाल दिया इसमें। कपूर जो है कूलिंग करेगा आपके, जो उसके ड्राई फील होता है आपको स्कैल्प, वो ड्राई इतना फील नहीं करेगा, वो उसको कूल करेगा, हाइड्रेट करेगा। और इन्फेक्शन, कपूर में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि इन्फेक्शन को भी, कोई भी इन्फेक्शन है जैसे डैंड्रफ है उसका भी ख़त्म करते हैं। इसमें आप थोड़ी सी एक लौंग भी डाल सकते हैं, थोड़ी दालचीनी सी डाल सकते हैं जिसमें कि अच्छी स्मेल आ जाएगी, क्लव की और दालचीनी सिनेमन की। इसको आप हल्का गरम तो ये है ही, इसको ढक के रख दें या फिर इन सब चीज़ों को एक साथ उबाल के ठंडा करके, ये आपका एक तेल बन गया है जिसमें कि कोई परफ्यूम नहीं है, इसमें कोई कलर नहीं है और इसमें लाइट लिक्विड पैराफिन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो पैराफिन वाले तेलों को आप अवॉइड करें, नेचुरल तेलों की तरफ जाएं। अगर आपकी स्किन जो है ऑलरेडी ऑयली स्किन है तो आप एक जेल पहले फेस पे लगा लिया करें। जब आप अपने स्किन को, आप अपने ऑयल को लगाने जा रहे हैं, आपकी स्किन इफेक्ट ना हो उससे, तो आप पहले से ही एक जेल, हाइड्रेटिंग जेल, एलोवेरा का जेल हो सकता है या कोई भी जेल बहुत है मार्केट में, आप उसको लगा के अपने स्किन के पोर्स को ऑलरेडी क्लोज कर लें। आपकी त्वचा पे ऑलरेडी एक लेयर आ चुकी है तो तेल तो उस पर जाएगा ही नहीं। तो आप इन दो चीज़ों का ट्राई करें, एक तो अपना तेल आप घर पे बनाएं जो कि बिल्कुल ही नेचुरल है, जिसमें कोई परफ्यूम नहीं है, जिसमें कि सिर्फ कपूर, लौंग और दालचीनी की आपको एक अच्छी सी खुशबू आएगी, नेचुरल है। और दूसरी चीज़, तेल को रुई से लगाएं। और तीसरी चीज़ जो है, पहले ही चेहरे पर आप कुछ लगा लें जो कि तेल जो है आपके चेहरे को अगर छुए भी तो पहले उस पर कोई लगा हुआ है तो वो अंदर ना जा पाए। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये जो तेल है आपके चेहरे पे आ रहा है, अपने बाल पीछे कंघी करने के बाद अपना चेहरा एक बार धो के फिर जेल लगा लें, क्योंकि स्कैल्प को ठीक करना बहुत बहुत ज़रूरी है। आई होप मुझे आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और हेलो स्वास्थ्य को भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और मैं अब ये सेशन
क्लोज करती हूँ, बंद करना चाहती हूँ। एंड आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, और कल सुबह आप सेशन में दोबारा जुड़ना ना भूलें। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।